हेलो एवरीवन, हमारा क्वेश्चन है गिव द आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड सी थ्री एच सेवन ओ एच। देखो आईपीसी नेम दिखना है, क्या दिया हुआ है सी थ्री एच सेवन ओ एच, तो सी थ्री है तो तीन कार्बन पहले हम लोग दिखाओ और साथ में ओ एच जुड़ा हुआ है। अब हाइड्रोजन साथ है, हाइड्रोजन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? देखो कार्बन एक कार्बन है, एक कार्बन यहाँ पर तीन बॉन्ड तो बनाया ही, एक कार्बन टोटल बनाता है चार बॉन्ड, ठीक है चार बॉन्ड, तो ये कार्बन जो है एक बॉन्ड ही बना चुका है, तो एक बॉन्ड बनाया है तो इसको नीड है टोटल चार का, तो तीन हाइड्रोजन अपने साथ जुड़ता है। दूसरा कार्बन जो है वो दो बॉन्ड बना चुका है, तीसरा चौथा, तीसरा भी कार्बन देख लो दो बॉन्ड बना चुका है, तीसरा चौथा। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये हो गया हमारा सी एच थ्री, फिर ये हमारा हो गया सी एच टू, फिर ये हमारा हो गया सी एच टू, और उसके बाद आखिरी हो गया ओ एच। ठीक है, अब हम लोग को इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। ठीक है, तो आईपीसी नेम लिखने के लिए हम लोग को नंबर ऑफ कार्बन देखना होता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो देखना होता है। तो फंक्शनल ग्रुप जो ओ एच रिप्रेजेंट किया जाता है वो कौन से फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है? एल्कोहल को। एल्कोहल का सफिक्स जो होता है वो होता है ओ एल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड किसको रिप्रेजेंट करता है? एल्केन को। एल्केन का जो सफिक्स यूज होता है वो क्या यूज होता है? ए एन ई। ठीक है, और नंबर ऑफ कार्बन के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं? तो एक कार्बन के लिए हम लोग मिथ यूज करते हैं, दो कार्बन के लिए हम लोग इथ यूज करते हैं, तीन कार्बन के लिए हम लोग प्रॉप यूज करते हैं, चार कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट यूज करते हैं, पांच कार्बन के लिए हम लोग पेंट यूज करते हैं, इस तरह करके हम लोग यूज करते हैं ना। तो यहाँ पर देखो कितना कार्बन है, एक दो तीन कार्बन है। ये नंबरिंग नहीं समझ लेना, नंबरिंग जब भी होगा तो इधर से होगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इस तरफ से नजदीक है, हम सिर्फ नंबर ऑफ कार्बन सिर्फ दिखा रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन एक दो तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रॉप। तो प्रॉप, उसके बाद कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एल्केन के लिए क्या यूज करेंगे? ए एन ई। ठीक है, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा प्रेजेंट है? अल्कोहल प्रेजेंट है तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? ओ एल। अब देखो जब भी एल्केन यूज हो ए एन ई, उसके बाद अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप ऐड हो या कोई सफिक्स ऐड हो तो इसका ई जो होता है वो कैंसिल हो जाता है, हट जाता है, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा प्रोप एन ऑल। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपे नॉल। ये हमारा आईयूपीसी नेम है। अब इसका कॉमन नेम भी कोई लिख सकता है, तो कॉमन नेम में हो जाएगा ये तीन कार्बन ये अल्काइल ग्रुप से प्रेजेंट करता है और यहाँ पर अल्कोहल जुड़ा हुआ है, ये अल्काइल ग्रुप के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोपाइल, प्रोपाइल, और अल्कोहल ग्रुप के लिए हम लोग लिखते हैं अल्कोहल। तो इसका कॉमन नेम हो गया प्रोपाइल अल्कोहल, ये हो गया कॉमन नेम, और ये आईयूपीएसी नेम हो गया प्रोपेनॉल। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।